था तो आधा पैसा मतलब घर भिजवा दिए हैं। स्वागत है, तो आप लोग कैसे कमेंट करके बताना आए हो, आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तो फेयर के बज रहे एक और अभी सिमल जी नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंड, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, एक जगह से इधर उधर उठ रहे हो, हम भी बैठेंगे अपनी जगह और नाश्ता में अभी बना है। तो ये रहा नाश्ता, में देख सकते हैं आलू बैगन का सब्जी अचार और रोटी है, दिख रहा है ना फ्रेंड, और सिमल जी खा रहे हैं। हम जल्दी खाते नहीं है बैगन का सब्जी, मतलब आलू आलू खा रहे हैं। दीदी टेस्टी बनाती है, खा के देखो। चलो फ्रेंड, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। आज हम लोग को घर निकलना था चौसा के लिए, पर आज गुरुवार है तो दीदी जाने नहीं देती है, इस वजह से हम लोग नहीं गए। और हम लोग जानते हैं कि गुरुवार को नहीं जाता है कोई कहीं, मतलब जाने देता है, जैसे कि लड़की को कहीं नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए नहीं गए हम लोग, वरना निकल जाते ना आज। कल क्योंकि पूजा दीदी लोग भी जाएगी सेवासा, वो लोग बस जाएगी नहीं जाएगी बोली। हां नहीं, एंगेजमेंट में जाएगी बोली। कौन सा एंगेजमेंट है? एक तुम जाएगा ले जाएगी तुझे संडे को है। ओ बाबा, कहां? तो वही बोल रही थी कि हम जाएंगे, फिर बाद में बोला कि देखते हैं अगर मन करेगा तो जाएंगे वहाँ एंगेजमेंट में, नहीं तो फिर चौसा निकल जाएगा। तो मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बताएंगे आप लोग को, जो लड़की लोग तो समझते हैं। तो चलो ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, ये तो हमेशा ही बोलते हैं कि ज़्यादा भाषण देता है तो मेरे नाश्ता है। कहाँ जाए इंग्लैंड में? कहाँ जाएंगे बोले थे वो? सुन लिया ना गाइस, तो चलो मेरा नाश्ता है, हम भी नाश्ता कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम लोग नाश्ता आज लेट में हुआ था, तो हम लोग नाश्ता कर कुरा के पूरा पेट भर किया सारे कुड़िया भी लग रहा था बहुत, कैसे के चले इधर भी आते रहते सोते रहते हैं। जब भी देखो रानी वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी कोना में, रानी कोना में बैठी हुई है, देखो एकदम ले लीजिए सर, लड़की है दो नंबर की, देख सकते हो। कहाँ गया है पता नहीं, साथ थोड़ा चलो चल गया। बेटा कहाँ गया रे? इधर गया, जहर उनका छुपी नहीं करते। अभी शाम होने जा रहे हैं, यानी कि 4 बजने जा रहे हैं, और हम ब्लॉग भी ढंग से मनाए नहीं है, पता ना आजकल मतलब इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है कि ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिल पाता। ये लड़की खाली यहाँ सोते रहती है, कहाँ गया भाई? अच्छे थे ये खाली सोते रहती है, जब भी देखो यार इतना सोना अच्छी बात नहीं है, समझी ना। चलो नहीं उठ रही है, देखो दे है, लाइट भी नहीं है घर में, तो लाइट तो है और रानी तो तक सो ही रही है, उठने का नाम ही नहीं ले रही, ये रही लाइट आ गया, कब तक उठेगा यार, ये कितना सोता है, परेशान होगा इसको। मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, ना शॉर्ट वीडियो बन पा रहा है, कुछ नहीं बन रहा यार, परेशान हो गए हम इससे। देखो अभी भी सोया हुआ, उठे कौन सोता बताओ, चलट सोने दो, 5-6 बज गया है, तो तुम सोते तो कौन गुजरा करता है? 6 बजे तक कोई नहीं सोता, 6 बजे तक कैसे लगी हो? तो गाइस देख सकते इधर का तो ब्लॉक है, बंद है और ब्लॉक फूट के बर्बाद हो गया। तो गाइस हम जा रहे हैं डीएमपी ने, डीएमपी। हां डिया नहीं, हम लोग जा रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया इसलिए सारे लेके जा रहे हैं। तो ये है गाइस, देखो भी किसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा घाव हो गया। हां नहीं करो, नहीं करो यार, यहां पर भी लगी एक तरह से अंगुली छिला ही ना जगह, घुटना जगह कुत्ता चाप दिया उसे दिख रहा है ना, ये रहा। आज तेरे इलाज करने जल्दी आओ,
आई लाइट कौन बंद कर रहा है? इलाज कर दीजिए ना भैया। चलो निकलो निकलो निकलो, चल जाएंगे, चलो चलो जल्दी आएंगे, चलो मेरे बहुत बड़ा बोतल लेके जाएंगे ना दे। हां बड़ा बोतल पानी लेके आना। ठीक है उसी में उठ रहे एटीएम चलाता हूं मैं। रसीद उठ ही नहीं रहा। हंडिया पीजिएगा कि नहीं? ये उठिए हंडिया लाए नहीं पीजिएगा अभी बताइए। हंडिया ला दिए इतना दूर से। उठ रहे जल्दी हंडिया ला दी। ए उठो क्या तरीका है 6 बजे तक सोने का? 6 बजे नहीं सोना चाहिए ये अच्छी बातें नहीं है, समझ में आया ना? तो कैसे ये सोते रहेगा, उसको बोल के कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसको उठाना यानी कि कुत्ता को चड्डी पहनाना। कर पा रहा है तो चलो गाइस हमारे ब्लॉग में से जुड़े रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहो। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आपको पूरा थोड़ा देर तक देखने मिलेगा। कैसे मिलेगा? लगा लो मुंह पर सादा सादा। नहीं नहीं मत मत लगा मुझे। चलो पानी ले से पुणे रहता हूं पानी ले से। अभी हम जा रहे हैं गाइस एटीएम, क्योंकि पैसा नहीं है हाथ में, रुपया भी तो थोड़ा बहुत है, तो फिर भी थोड़ा बहुत को भी हम मतलब ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम कितना हो सकता है मेरा एटीएम में 1500 है शायद। हाँ 1500 रुपये तो साक्षी में तरफ घोई तक साक्षी में खत्म हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पैसा पैसा मतलब घर भिजवा दिए हैं। राशन राशन भी नहीं है घर में और गैस भी नहीं है और मेरा मम्मी बीमार भी हो रहा है, इसीलिए हम पूरा सामान खरीदेगा बोल के हम पैसा भेज दिए। तो इसलिए 1500 रुपये जैसे बचा 500 रुपये निकलेगा 1000 रुपये, जब यहाँ से जाएंगे तो मेरा भाड़ा हो जाएगा ना, भाड़ा हो जाएगा ना। हम लोग यहाँ से पता है कहाँ चले बोलते हैं, और हम लोग जो हड़िया बोलते हैं जो हम लोग का मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो लोग अच्छे से जानता होगा। अच्छा तो आदिवासी मुझे ही बोलने आता है डीएंगे नूत दुला सन वाले ऐसे बोलता है। इतना बड़ा एसी है ना, इतना बड़ा एसी है मेरे ऊपर। तो गाइस फिर अचानक जीजा आ गया, क्योंकि हम लोग जीजा को बोला था चलो थोड़ा घुमाने चलिए, तो हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। और ये वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग के साथ, तो गुड गुड बाय बाय गाइस, मिलते हैं।